प्रथम तहलका न्यूज। हिसार के लघु सचिवालय में पीटीआई अध्यापकों के समर्थन में 2000 कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारियां देने के दौरान पुलिस की बसें भी कम पड़ गई और बाद में बसें मंगवा कर ये गिरफ्तारियां देनी पड़ी। हिसार में आज पीटीआई अध्यापकों व अन्य संगठनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय में गिरफ्तारी देकर रोष प्रकट किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार इस मामले में पीटीआई शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार का काम रोजगार को बढ़ाना है और रोजगार देना है, लेकिन सरकार तो बेरोजगार करने पर ही तुली हुई है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 1983 जो 2 जून से बर्खास्त पीटीआई है उनका और जो हमारे सहयोगी संगठन है उनके साथ मिलकर के हमारे परिवार सहित हम जेल भरो का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। उसके अंदर लगभग हिसार में हमारे 2000 साथियों ने गिरफ्तारी दी है। उसके बाद में भी सरकार अगर नहीं चेतने का काम करती, सरकार इन 1983 परिवारों का रोजगार बहाल नहीं करती, तो ये आंदोलन गांव स्तर पर जाकर के सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं, सरकार की जो रोजगार छीनने की जो कारगुजारी है, निजीकरण करने की जो कारगुजारी है, वो तमाम की तमाम बातें हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता के सामने रख के और हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताने का काम करेंगे। आपने जिस मुखिया को जिम्मेवारी रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दी थी, उन लोगों के ये हालात हैं और इसी तरह से ये तमाम जो चीज़ें हैं हरियाणा के अंदर रोजगार को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, इन सभी मांगों को लेकर के हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएंगे और आम आदमी को जोड़ करके इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देंगे और 1983 परिवारों की जब तक बहाली नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा पूरे हरियाणा प्रदेश में। अंबाला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां सर्व कर्मचारी संघ ने पीटीआई टीचर्स को समर्थन देते हुए गिरफ्तारियां दी। इस दौरान पुलिस व कर्मचारियों की हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसे लेकर कर्मचारी प्रशासन से खफा दिखे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 23 अगस्त को पीटीआई टीचर्स के लिए जो रेस्ट रखा है उसे रद्द किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने हक के लिए आंदोलन पर डटे रहेंगे। आज बड़े अफसोस के साथ हमने ये कहना पड़ रहा है कि एक तो यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना नकम्मा, नकारा और भ्रष्ट है कि जिसके कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं आज शांति प्रिय हम प्रदर्शन लेके आ रहे थे, आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई पीछे कर यार इसको, आईडी नीचे कर ले, पीछे कर ले, आगे बीच में आ रहा है भाई, आईडी नीचे कर ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने हजार बार गिरफ्तारियां दी हैं प्रशासन की तरफ से, गिरफ्तारियां हमारी दी गई हैं, परंतु आज का जो बड़ा दुर्भाग्य ही है, ना तो हमें गिरफ्तार किया जा रहा, ना हमें आगे बढ़ना दिया जा रहा। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन के इस नकारात्मक रवैये के खिलाफ हम आगे अभी जल्दी मीटिंग बुला के कोई निर्णायक यहाँ लोकल प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। और आज का जिस संदर्भ में ये कार्यक्रम था, 1983 जो पीटीआई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बहाने की आड़ में जो बर्खास्त किए हैं, वो हम कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा झूठा शपथ पत्र दिया गया है, ये साबित हो चुका है, और सरकार इनके रोजगार को बहाल करे और शांति अमन काम जो हरियाणा प्रदेश में हो रहा है इसके पूरे प्रदेश में आज ये प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और संबंधित संगठनों के सहयोग से 1983 पीटीआई के आंदोलन के समर्थन में ये किए जा रहे हैं। संघर्ष समिति ने सरकार को ये भी चेतावनी दे डाली है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो गांव स्तर पर आंदोलन को चलाया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो के साथ हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।